अहमद को कॉल लगाता हूँ। एक नंबर का सुस्त इंसान है यार। हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त? सब ठीक है यार, बस ठंडी आ गई यार। वो मुझे मालूम है भाई। देख, ठंडी आ गई ना तो तुम्हारा नहाना ना एक दिन से दो दिन, दो दिन से एक हफ्ते, और एक हफ्ते से एक महीने तो पक्का होने वाला है भाई, मुझे मालूम है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है यार। अच्छा ये बता कि नेट जेआरएफ के एग्जाम की तारीख कब की है, मुझे मालूम है कुछ? हाँ वही, कोई 20 दिसंबर। अबे पोपट इंसान, 6 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक नेट जेआरएफ का एग्जाम है, और उर्दू वाले का जो है ना वो 12 को है। ठीक है, अब याद रहेगा ना? शुक्रिया यार, शुक्रिया। अच्छा देख, मैं तुझसे एक सवाल कर रहा हूँ, ये बता फैज अहमद फैज की पैदाइश कब हुई? अरे हाँ ना, फैज की पैदाइश ना 13 जनवरी 1910, हाँ 10 को हुई थी। अबे यार तुझे इतना नहीं मालूम, 13 फरवरी 1911 में सियालकोट में उनकी पैदाइश हुई यार। बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा दोस्त। और सवाल करना भाई, और करना। अच्छा ये बता कि फैज अहमद फैज के कितने शेरी मजमू हैं? हाँ भाई, कोई 9-10। नहीं 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 देख देख, पक्का 10-10 उनके शेरी मजमू हैं, 10। 7 हैं 7, अब याद रखना अच्छे से, समझे ना? अच्छा भाई देख, तुझसे एक आखिरी सवाल है, ये बता कि जो नज्म तन्हाई है ना वो फैज के किस मजमूए से माफूज है? जिंदानामा। नहीं 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 देख, दस्ते सबा से, दस्ते सबा से, पक्का मुझे यकीन है दस्ते सबा से। दिमाग का इस्तेमाल कर और सही जवाब दिया कर, समझे क्या? नक्श फरियादी से माखूज है। और सुनो, करियर कोर एकेडमी पर जाओ, यूट्यूब चैनल है, उस पर ये नज्म अच्छी आवाज़ में मौजूद है, उसको सुनो और अपने एग्ज़ाम की यार अच्छे से तैयारी करो। हाँ बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त यार। चल ठीक है, मैं जाता हूँ, देखता हूँ। चलो फिर बात करते हैं। ओके ओके बाय। ठीक है ठीक है, देखता हूँ। ठीक, ओके। फिर कोई आया दिले जार, नहीं कोई नहीं, राह रोगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदा चराग। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो शम में बढ़ा दो मयो मीना, या अपने बेखाब के वाड़ों को मुकफ्फर कर लो। अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा, अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा।